સુરત શહેરના પેસ્તાન વિસ્તાર નજીક બે યુવાન પર હિંસક હુમલાની ઘટનામાં આવ્યો ફરી વળાંક અને આ સમગ્ર ઘટના પાછળ પેસ્તાનના કોર્પોરેટર સતીશ પટેલ પર લાગ્યા આક્ષેપો તો ભોગ બનનાર યુવાનોના મિત્રએ શું કહ્યું તે જાણીએ. મેરા નામ સંજીવ ઉર્ફ ચંચલ સિંહ રાજપૂત. ક્યાં ઘટના હોઈ હતી ઓર કહા કી ઘટના? સર ઘટના બેસ્તાન કી હૈ, ભૈરવનગર કી ના. સર ઘટના એ હૈ, ઘટના સ્થળ કા કી હમારે દોસ્ત કો મતલબ એ લોગો ને મર્ડર કર દિયા હુઆ હૈ, જો કી પુલિસ ઓબ્જેક્શન મે પૂરા હિસાબ મેટર માલૂમ પડ રહા હૈ કે ઇસકો ચોરી કા ઓબ્જેક્શન દિયા, જો કી ઝગડે કા રૂપ તવા થા ઓર ઇસકો મોડ કે કહાની કો લિયા જા રહા હૈ કે ચોરી કે રૂતબા મે લિયા જા રહા હૈ, જો કી એ લોગ પહેલે મેરે ઘર પે આયે હુએ થે મારને કે લિયે, જો કી હમારે પાસ મે પૂરા સીસીટીવી પાર્કિંગ મે કેમેરા લગા હુઆ થા ઓર અભી ભી મેરે પાસ સબ પ્રૂફ હૈ અભી તક ઓર ઇસ ચીઝ કે લિયે કોઈ ઓ નહીં હો પા રહા હૈ સર ના. ઇસ ચીઝ સે હમકો પુલિસ સ્ટેશન સે ઓર અભી ભી પુલિસ સ્ટેશન સે મેરે કો ડર હૈ કે હમકો કોઈ ખોટા વસ્તુ મે નહીં ફસા દેવે, બરાબર સર? એસા હૈ મેરે કો. झगड़ा किस मुद्दे पे हुआ था? झगड़ा हमारा नहीं था सर, हमारे दोस्त का झगड़ा था. इन लोगों को लगा कि चंचल सिंह का मतलब आदमी है, इसके वजह से चंचल सिंह ने भेजा होगा इसको मारने के लिए. तो इस बाबत पे ये लोगों को हमारे घर पे आए हुए थे मारने के लिए, फिर ये लोग हमको ढूंढ रहे थे मारने के लिए. अभी भी सर ये लोग हमको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, जान से मारने के लिए. और कभी भी हमारे जान का खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है सर हमको. जो ये घटना घटी है वो तो सतीश भाई के घर के पास घटी है, तो वहाँ पे आपके आदमी क्या करने गए थे? वो हमारे हमको जब हमारे घर पे लोग आए हुए थे तो वो लोग वहाँ से मतलब आ रहे थे, सचिन से आ रहे थे हमको घर से लेके साईं पहले से लेके जाने के लिए बेस्तान पुलिस चौकी लेके जाने के लिए, पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए. मैं अकेला जा नहीं पा रहा था पुलिस स्टेशन लेके जाने के लिए, मेरे को पुलिस स्टेशन केस करवाने के लिए कि मेरे घर पे ये लोग आए हुए जान से मारने के लिए. तो इस माहौल में तो वो लोग रोड पे उसको रास्ते में पा गए, उसको रास्ते में पाने के बाद में उसको वहाँ पर से उठा के ले जाके मारे और मतलब मारते मारते उसको अधमरा कर दिए, जो कि फिर बाद में हम पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाए, हम सीधा सिमी मेयर हॉस्पिटल मालूम पड़ा, सिमी मेयर हॉस्पिटल गए हम लोग. तो सिमी मेयर हॉस्पिटल गए सर, रात भर हम वहीं पे थे और हमारे साथ सामने हमारे बयान के सामने हमने पूछा भी मेरे दोस्त से लास्ट सुबह सुबह लास्ट बयान मैंने पूछा आपको कौन मारा था, तो सतीश भाई का नाम वो जानता था, सतीश भाई को सतीश भाई ने उसको मारा था, तो सतीश भाई का नाम दिया हुआ, मेरे पास वीडियो भी है, बराबर ना, वो है सर. और हमको सर अभी भी जान का हमारे खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है सर. पुलिस की कामगिरी पे किस तरह का आपको संकेत? सर हमारे पुलिस के कामगिरी पे शंका ये है कि ये झगड़े के बाबत था, इसको चोरी के बाबत दिखाया जा रहा है सर ना, चोरी के बाबत, चोरी का कोई बाबत ही नहीं, अक्षत नहीं था, जो कि हमारे ही बंदे का, हमारे ही दोस्त का मोबाइल छीन लिया गया, पैसा था उसमें वो छीन लिया गया है, गाड़ी फूंक दिया गया है, सब ऐसा बना हुआ है. और उल्टा हम लोग के ऊपर में वहाँ पे चोरी लगाया जा रहा है, हमारे मतलब जो हमारा दोस्त मर गया उसके ऊपर में चोरी लगाया जा रहा है सर. आपको किस बात का डर है? हमको सर हम ये लोग अभी भी पता कर रहे हैं मतलब कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हूँ, मेरे को जान से मारने का इन लोगों का अभी भी सतीश भाई का आदमी लोग ढूंढ रहे हैं हमारे सोसाइटी के आजू बाजू में ना, हमको कभी भी मतलब ये लोग मार देंगे सर. आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको मारना चाहते हो लोग? हमको इसलिए लग रहा है सर कि मतलब इन लोगों का उस दिन भी हमारे घर पे 150-200 आदमी आए हुए तलवार फटका लेके, बराबर, अभी भी इन लोगों का ऐसा लग रहा है कि मतलब इसको मार दूंगा तो कुछ होगा नहीं, ऐसा इसके हिसाब से ना. सर मेरे सामने मेरा वो दोस्त ने मेरे को बयान दिया कि सतीश भाई ने मारा हुआ है सर, ऐसा है. आप क्या चाहते हो अभी? मैं इंसाफ चाहता हूँ सर, मेरे दोस्त को इंसाफ मिले और हमको भी इंसाफ मिले, अब मैं अपने घर जा सकूँ. मैं दो दिन से मैं बाहर बाहर रह रहा हूँ, मैं ना घर पर जा पा रहा हूँ ना कुछ, एक तो लॉकडाउन का मैटर चल रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ ना खा पा रहा हूँ ना घर पर जा पा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे के पास नहीं जा पा रहा हूँ सर, ऐसा है सर. आपको कोई पुलिस वाले का फोन आया था? मेरे पास में पुलिस वाले का वहाँ पे 4-5 पुलिस वाले का फोन आया हुआ था, मेरे को बुला रहे थे, मैं जाया गया नहीं डर के मारा कि वो लोग मेरे को ऐसा मालूम पड़ रहा कि ये लोग हमारा मर्डर में, वो जो मेरे दोस्त का मर्डर हुआ है उसमें मेरा नाम डाल देंगे सर, ऐसा सब बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए डर के मारा मैं जा नहीं पा रहा हूँ सर. मेरे मर्डर में तीन चार लोगों का नाम है सर, 3-4 लोग नहीं थे, ये लोग करीबन 150-200 जन थे, उसमें से मेन में सतीश भाई थे, बराबर, मेन में सतीश भाई थे मारने में, और इनके साथ में इनके भतीजे लोग जो है ना मेहुल बिक्की ना, ये लोग मतलब ये सब नाम तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बराबर, लेकिन जितना जितना जानता हूँ मैं उतना नाम बोल रहा हूँ, ये लोग मतलब मारने में पूरा थे, मारने में, और मेन मारने में सतीश भाई हमारे घर पर भी आए थे, हमारे बिल्डिंग के पार्किंग में कैमरे में वो भी कैद हैं, हम तलवार फटका सब लेके आए हुए थे सर, हमारे घर पे भी सब गए हुए थे ना, और हमारे घर का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में, मेरे बात से मेरे को गाली भी दिया हुआ है, और मेरे घर में दरवाज़ा मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ अकेली थी घर में और मेरे बच्चे के साथ में, मेरी वाइफ रो रही थी, और उसके बाद में ये लोग घर में भी घुसने का कोशिश कर रहे थे, जो कि हमारे घर में नहीं घुसे, लेकिन हमारा मैटर ऐसा है कि सर फिर बाद में चले गए, वो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, और उस टाइम में वहाँ से वो लोग खड़े थे बेस्तान चौरस्ता पे, कहाँ खड़े थे, हमारे दोस्त आ रहे थे, हमने बुलाया था कि भाई आओ साथ में चलते हैं पुलिस स्टेशन चलना है,
तो हमारे दोस्त आ रहे थे, उतने में ये लोग रास्ते में उसको पकड़ के वहाँ से उसको मतलब पकड़